मैं आईआईटी में जा सकूँ और या एनआईटी में जा सकूँ, उस तरीके का मेरा प्रिपरेशन नहीं था यार। तो मैंने ठान लिया था कि जब ठीक है यही करते हैं, फिर एमसीए ही करते हैं और वो एनआईटी से करेंगे। तो जब मैं आया सर से मिला तो मैंने यहीं से जर्नी शुरू की अपनी, ऑफलाइन में यहाँ एक साल मैंने तैयारी किया पढ़ा। सर जैसे मैथ्स पढ़ाते थे वो आया कि मेहनत करना मैंने सीखा है और सही डायरेक्शन में। तो जैसे सर मैथ्स पढ़ाते थे तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि इस तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच था वो एंटायरली डिफरेंट था, जो कि मुझे कहीं नहीं मिला था। तो मुझे अपना पोटेंशियल पता था, डिफरेंट तरह के जो टेस्ट पेपर बनाए थे, मेरा जो सिस्टम था वो 4 बार बंद हो चुका था। तो फिर मुझे सर की बात याद आती थी कि वो पैनिक नहीं होना था, तब मैं रिलैक्स हो जाता था और आराम से पानी वगैरह पी लेता था, फिर सिस्टम चालू करता था एग्ज़ाम से निकलने के बाद कि ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो। और इनको मौका दिया तो मैं इस बात से आपका बहुत एहसानमंद हूँ, इस बच्चा को आपने मौका दिया, इस मुकाम तक पहुँचा, आज मुझे बेहद खुशी है। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, अतर अली से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 278 है, जो भागलपुर बिहार से हैं। तो अतर अली आपके सबसे पहले 278 रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं बता दूं कि अतर अली जो हैं इन्होंने सेकंड ड्रॉप लिया था और एक डिसीजन था कि नहीं सर जाना एनआईटी में, लास्ट ईयर 750 के आसपास रैंक थी, कॉम्प्रोमाइज भी किया कि नहीं सर आईपीयू में नहीं जाना है, कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना, जाना है तो एनआईटी में जाना। और फाइनली देखिए अंत भला तो सब भला, आज इतना अच्छा रिजल्ट है। तो अतर जो आपकी इंटायर स्टोरी है, सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा उसको आप बिल्कुल पीछे से बताएं कि कब आपने सोचा था, फिर लास्ट ईयर क्या हुआ और इस साल आपने अपने माइंड को कैसे सेट किया। तो मुझे शुरू से ही मतलब जैसे मैंने ट्वेल्थ किया था तो मुझे पता था कि आईआईटी और एनआईटी होता है, तो मुझे शुरू से ही उसमें आईआईटी में जाने का था कि अपना आईआईटी में जाना है। उसके लिए आईआईटी जेई का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उस समय वैसी कंडीशन नहीं थी कि प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई थी और वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया था कि मैं आईआईटी में जा सकूं और या एनआईटी में जा सकूं, उस तरीके का मेरा प्रिपरेशन नहीं था या वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिला था मुझे। तो फिर जब ट्वेल्थ हो गया उसके बाद तो फिर मुझे एक था कि वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला था तो नहीं किया, फिर ऐसे ही बीएससी कर ली, बीएससी मैथ से किया। और फिर उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि एक और रास्ता है, एमसीए कर सकते हैं जो कि एनआईटी से होता है। तो फिर इसके बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने ठान लिया था कि जब ठीक है यही करते हैं, फिर एमसीए ही करते हैं और वो एनआईटी से करेंगे। तो जैसे मेरा वो ख़त्म हुआ तो वो कोरोना पीरियड था ये, तो जब कोविड का पीरियड वो ख़त्म हो गया उसी समय मेरा वो हुआ था कंप्लीट। तो फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सर के बारे में, उसी समय मुझे पता चला था कि सर जो है ये इंपिटस गुरुकुल नाम से इंस्टीट्यूट है भोपाल में, जो कि तैयारी कराते हैं और यहाँ पे मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, मेरे खालू जो हैं यहीं के हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं आकर प्रिपरेशन करता हूँ। तो जब मैं आया सर से मिला तो मैंने यहीं से जर्नी शुरू की अपनी, ऑफलाइन में यहाँ एक साल मैंने तैयारी किया पढ़ा। तो जब 23 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे क्वेश्चन का जो सिलेक्शन था ना वो गलत हो गया, तो जिसके वजह से मेरी रैंक 756 रह गई। तो फिर मेरे दिमाग में तो वो क्लियर थॉट था कि इस फील्ड में आने का मेरा एक ही रीज़न था कि अगर एमसीए करना है तो मुझे एनआईटी से ही करना है। तो फिर से इस बार मैंने घर पर रहकर ही प्रिपरेशन की और ऑनलाइन हो गया और फिर कंटिन्यूसली करता रहा। सर जैसे मैथ्स पढ़ाते थे तो सर की सबसे यहाँ पे इम्पिटस में आने के बाद जो मैंने सीखा है अपने लाइफ में, जो चेंजिंग आया है मेरे, वो आया है कि मेहनत करना मैंने सीखा है और सही डायरेक्शन में और सही गाइडेंस के साथ जो मेहनत करना सीखा है तो वो चीज़ मेरे काम आई। पूरे इंटायर जर्नी मैंने मतलब जो सर से जो मैथ सीखा था और जैसे जैसे सर मैथ्स पढ़ाते थे, मैंने भी ट्वेल्थ में ही मैथ्स भी पढ़ा था लेकिन वैसा मैथ्स नहीं पढ़ा था जैसा सर पढ़ाते थे। तो जैसे सर मैथ्स पढ़ाते थे तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि इस तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच था
वो एंटायरली डिफरेंट था, जो कि मुझे कहीं नहीं मिला था। और सभी टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन जो सर मैथ्स पढ़ाते हैं वो मुझे बहुत हिट किया। तो उस तरीके से मैथ्स सॉल्व करना मुझे बहुत इंटरेस्ट जगा उसमें। तो जैसे जैसे प्रिपरेशन बढ़ती करते गया तो और इंटरेस्ट बढ़ते गया मैथ्स में, तो यही रहा। और फिर 24 में एग्ज़ाम दिया, फिर जो 278 रैंक आई। तो अतर अली, जब आपने सेकंड ड्रॉप का मन बनाया, आप तो यहाँ रहे थे मुझे पता अच्छे से, और आपने अच्छी मेहनत की थी, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो लास्ट ईयर हो जाता अगर सही सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ भी आप बताया। पर जब आपने सेकंड ड्रॉप का मन बनाया तो कुछ स्ट्रेस था या कुछ था कि यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ कंफ्यूजन था दिमाग में कि नहीं था? कोई डाउट नहीं था सर, मुझे पता था कि एक चीज़ होता है पोटेंशियल और एक होता है परफॉर्मेंस। तो मुझे अपना पोटेंशियल पता था, बस हुआ में था 23 में मेरे साथ हुआ ये था कि एग्ज़ाम में मैं उसको परफॉर्मेंस में चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन सिलेक्शन रॉन्ग हो गए। तो कुछ ही वो कुछ जो पर्टिकुलर क्वेश्चन थे जो कि डिफ़िकल्ट थे उसमें मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो एक तो टाइम मैनेज नहीं हो पाया और क्वेश्चन सिलेक्शन रॉन्ग हो गया। और इस बार 24 में क्या हुआ कि सर ने इतने डिफरेंट तरह के जो टेस्ट पेपर बनाए थे तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि हर तरीके का पेपर था और उस हर तरीके के पेपर को टेस्ट में मैं हैंडल करता था तो उसकी आदत हो गई थी। तो एग्ज़ाम में भी इस बार तो पेपर चेंज ही आया था, सरप्राइजिंग तो हर साल रहता है लेकिन इस साल कोई ज़्यादा ही सरप्राइजिंग था। तो वो जो हैंडल करने की आदत थी, और जैसे सर ने बताया था कि पेपर में कामनेस के साथ पेपर देना है, तो वैसा ही रहा। और इंटरेस्टिंग बात ये रही थी कि मेरे पेपर में मेरा जो सिस्टम था वो 4 बार बंद हो चुका था, मतलब एग्ज़ाम देता था और एग्ज़ाम देते देते होता क्या था कि बंद हो जाता था सिस्टम। इस साल 24 में तो हुआ, जैसे वो सिस्टम बंद होता था तो फिर मुझे सर की बात याद आती थी कि वो पैनिक नहीं होना। तो पहले टाइम बंद हुआ तो मैं थोड़ा सा वो घबरा गया कि क्या हो गया। तो और लेकिन वो होता था कि टाइमर ऑफ हो जाता था, तो ये एक अच्छी बात थी। तो फिर जैसे जैसे और फिर उसमें मुझे मौका मिला, फिर जब दूसरे बार बंद हो गया तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि ठीक है बढ़िया ही है बंद हो रहा है, तब मैं रिलैक्स हो जाता था और आराम से पानी वगैरह पी लेता था, फिर सिस्टम चालू करता था। तो इस चीज़ को मैंने पॉजिटिव वे में देखा और फिर जितनी बार भी बंद हुई सिस्टम आराम से मैं कूल होकर के पानी वानी पी करके फिर खुद से ही सिस्टम चालू करता था। फिर मैंने इन्विजिलेटर को भी नहीं बुलाया, खुद से ही सिस्टम चालू करता था और फिर दिया था वो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताई, उस चीज को मैंने हैंडल किया क्योंकि पिछले 23 का जो वो एक्सपीरियंस था वो मेरे बहुत काम आया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई बेटा सर आपने कि सिस्टम बंद हुआ, कई लोग घबरा जाते हैं पैनिक हो जाते हैं, आपने वो घबराए नहीं, और मैं बोलता हूँ जो होता अच्छे के लिए होता है, दूसरे में तो आपने उसको रिलैक्स ही मान लिया कि चलो मुझे एक टाइम मिल गया। हाँ, उसको मैंने बहुत पॉजिटिव वे में लिया। और तो किसी भी नेगेटिव चीज को भी अगर आप पॉजिटिव ले लो, वैसे अपने आप में ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर किसी का सिस्टम बंद हो जाए तो कितनी घबराहट होगी, पर आपने उसे पॉजिटिव बना लिया और वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव काम आया, मतलब आपको 4 बार रेस्ट मिल गया। और जो एक बात आपने बोली पोटेंशियल और परफॉर्मेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ कई बार अच्छा प्लेयर 0 पे आउट हो जाता है, सचिन तेंदुलकर कई बार 0 पे आउट हुआ पर पोटेंशियल की कमी नहीं थी। वैसे ये कि कई बार हम परफॉर्म नहीं कर पाते इट डजंट मीन कि हमारे में पोटेंशियल नहीं है। आपने अपने पोटेंशियल को पहचाना, कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसलिए सेकंड ड्रॉप लेने में भी नहीं डरे, और पिछले साल आपको पता था क्या गलती की, इसलिए आपने वो सारी चीज़ों को ध्यान रखा और आज उसके वजह से रिजल्ट है। बिल्कुल। तो अतर अली, आप ये बताओ मुझे कि आप अपने जूनियर्स को, और आपकी कंडीशंस मुझे पता है फाइनेंशियल भी घर के सब करने के बाद भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे भी आपकी प्रिपरेशन हो लेकिन एट द इन मायने वही रखता है कि जो ड्यूरिंग द आर्स है जो कि एग्ज़ाम का आर्स है तो उसको हैंडल करना होता है बस। वो अगर हैंडल कर लिया, क्वेश्चन सिलेक्शन वहाँ पे सही कर लिए, टाइम मैनेज कर लिया, तो फिर सब कुछ इजी हो जाएगा, बस यही है। बिल्कुल सही बोला था। इससे बड़ा कोई टिप्स नहीं है, जो सर बताते हैं कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो कर सकते हैं वहीं पे ही करना है, बाद में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम से निकलने के बाद कि ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो वो टेस्ट के जैसे इतने सारे टेस्ट होते हैं तो वो टेस्ट में ही उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जितने भी क्वेश्चन मुझे आते हैं और जो भी मुझे आता है तो
वो स्किप कर करके, जैसे क्वेश्चन कुछ नहीं हो रहे तो उसको स्किप करके आगे बढ़ के वो क्वेश्चन देखने जो कि बनने वाले क्वेश्चन है, तो उसको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं और एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ पे अगर काम किया जाए तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला अली आपने। अच्छा ये बताओ आपके साथ तो उनको बुलाइए ज़रा, क्योंकि वो पिछली बार भी आए थे, मुझे याद है मिले, आप मुझसे मिले थे, तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जब पिछली बार भी मिला था आपसे तो मैं यही चाहता था कि ये फिर से बच्चा है और आप दोबारा आए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जब ये हमारे पास आया बिहार से तो ये अपनी कंडीशन मुझे बताया और यहाँ का भी बताया कि खालू अब्बा ऐसी ऐसी बात है और मैं सर से मिलना चाहता हूँ, मान के चलिए तो इनकी कंडीशन यहाँ आप लोगों के सामने रखा है। बिल्कुल आप हमारी बात मान लिया और इनको मौका दिया, तो मैं इस बात से आपका बहुत एहसानमंद हूँ। इस बच्चा को आपने मौका दिया, इस मुकाम तक पहुँचा, आज मुझे बेहद खुशी है। जी धन्यवाद। और मेरा ये मानना ही है, देखिए इम्पीटस गुरुकुल जाना इसलिए जाता है, मैं आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इम्पीटस आया हो और वो ना पढ़ पाया। रास्ते सब हैं, कैसे निकालना है, कैसे खुद मेहनत करनी है, वो मैं कर सकता हूँ और करता भी हूँ। तो मुझे जब आपसे मिला था तो मैं ये चाहता था, जब इसने क्योंकि इसका कन्फ्यूजन इसको था ही नहीं कहीं, क्लियर था बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप आए तो बहुत ही खुशी हुई कि आप आज दोबारा आए। और अब आप ऐसे ही बेटा आगे बहुत लाइफ में अच्छा करो, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है और अब वो प्रूफ भी कर दिया, परफॉर्मेंस देके प्रूफ भी कर दिया, अब आगे भी ऐसे ही बहुत ग्रो करना और आगे हमारी इज्जत बचा लिया, ये बहुत बड़ी जी 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 बहुत बहुत आपको मुबारक, थैंक यू।